हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मेडिकल में वैकेंसी निकली है बम पर और ये वैकेंसी क्या है और कहां पर निकली है चलिए इसके बारे में डिटेल समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इतनी वैकेंसी और कहां पर निकली है तो जैसा कि आप ये न्यूज़ में देख रहे हैं कि यूपी के के और लोहिया संस्थान में निकलेगी तेरह हजार नौ सौ चार वैकेंसी जाने किन किन पदों पर होगी भर्ती तेरह हजार नौ सौ चार को आप चौदह हजार भी मान के चल सकते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के और लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में अब डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ की कमी नहीं रहेगी राज्य सरकार ने दोनों संस्थानों में करीब चौदह पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है ये थी बहुत ही बड़ी अपडेट और इस अपडेट को और डिटेल में पढ़ते हैं आगे ये ध्यान दीजिएगा योगी सरकार ने प्रदेश के दो प्रमुख सुपर स्पेशलिटी संस्थानों को बड़ा तोहफा दिया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के और लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में अब डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ की कमी नहीं रहेगी राज्य सरकार ने दोनों संस्थानों में करीब चौदह हजार पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों तरह के पद शामिल हैं। इसमें बड़े पैमाने पर अस्थायी भर्तियां की जाएंगी सीएम योगी के निर्देश पर राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य रखा है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसी श्रृंखला में अब तक दर्जन भर से अधिक जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदला जा चुका है प्रदेश में अब 35 मेडिकल कॉलेज संचालित है पाठक ने कहा कि इन चिकित्सक संस्थानों में स्टाफ का संकट नहीं होने दिया जाएगा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की इसी कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने पूर्व में पैंतालीस पदों का सृजन किया था अब प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी संस्थानों की बारी है जिसमें जो भी कमियां हैं वो पूरी की जाएंगी लखनऊ के के में कुल दस हजार बयालीस पद सृजित किए गए हैं इनमें बारह सौ छप्पन पद फैकल्टी के हैं फैकल्टी के पदों में पाँच सौ पंद्रह पद ब्रांड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के हैं जब सात सौ इकतालीस पद रेजिडेंट डॉक्टरों के होंगे इसके अलावा आठ हजार सात सौ छियासी गैर शैक्षणिक पद हैं जिनमें नर्स पैरामेडिकल लिपिक व अन्य पद शामिल हैं इनमें गैर शैक्षणिक संवर्ग के नियमित श्रेणी के सात हजार सौ उनहत्तर पद और आउटसोर्सिंग के दस सौ तिरसठ पद होंगे गैर शैक्षणिक संवर्ग में एडिशनल नन टीचिंग के चौवन पद भी आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे वहीं लोहिया संस्थान में भी कुल तीन हजार आठ सौ बासठ पदों के सृजन को मंजूरी मिली है इसमें आठ सौ तीन पद शैक्षणिक और तीन हजार उनसठ गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने कहा है कि इन दोनों संस्थाओं में स्वीकृति पदों पर चरणबद्ध तरीके से जरूरत के हिसाब से भर्तियां की जाएंगी भर्तियों का सिलसिला जल्द शुरू होगा तो ये थी बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों आई थिंक ये खबर सुन के आप बहुत खुश होंगे क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है मेडिकल से रिलेटेड अब वो बहुत जल्द खत्म होगी स्टाफो स्टाफ की वैकेंसी को लेकर आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलते रहे और बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बाय बाय टेक केयर